सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 6 लोगों की सजा बढ़ाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार को एक न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से सुनवाई टल गई। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एके गुप्ता और राजेश कुमार की पीठ में ये मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन न्यायाधीश राजेश कुमार के अवकाश पर रहने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सके। मंगलवार यानी कि आज इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल पेश हुए हैं। वहीं सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद और अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉक्टर आर के राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चौधरी, महेंद्र प्रसाद, फूलचंद सिंह और सुब्रीर भट्टाचार्य को 3.5 साल की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले पे जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा पाने वाले सभी लोग ऊंचे पद पर पदास्थापित थे और इन पर उच्च स्तरीय षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। ऐसे में जब मामला साबित हो गया है तो सभी को एक ही तरह की सजा सुनाई जाएगी। SP9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।